everyone. So today we have with us Mr. Hemant Desai, Chairman of Concept Investwell. He has 5 decades of experience and more than 25 years of experience in the Indian capital markets. He is also a fund manager managing 2 of our funds, that is AI Dynamic and Elegant. So now coming to the Indian capital markets, you are also managing AI Dynamic fund at Concept Investwell. So can you throw some light on the workings and the framework of the plan? See, aapne dekha hoga कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे होता है. मेनली अब तक जो फोकस था वो फंडामेंटल्स के ऊपर था, तो सब लोग ये देखते थे कौन सी कंपनी अच्छी है, किसकी फंडामेंटल स्ट्रांग है, उसको लेकर फिर पोर्टफोलियो बनाते थे और मैनेज करते थे. तो क्वालिटी वॉज द कॉन्स्टेंट फैक्टर. अभी जब हम फंडामेंटल्स देखते हैं तो वी लुक बैक इन टू द पास्ट, हम उसमें फ्यूचर को कंसिडर नहीं कर सकते हैं. तो हमने जो ये AI डायनेमिक की स्ट्रेटेजी बनाई है उसमें नॉट ओनली पास्ट बट वी ऑल्सो लुक एट फ्यूचर. तो इसमें हम कैसे काम करते हैं, पहले फंडामेंटल्स को लेते हैं, उसको फंडामेंटल के हिसाब से ग्रेटनेस स्कोर के हिसाब से हम कंपनियों को इवेल्युएट करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं. फिर हम AI के द्वारा अगले 2-3-4 महीने में मार्केट के ट्रेंड क्या रहने वाले हैं उसके ऊपर एक डिटेल स्टडी करते हैं. AI में बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, इंटरनेशनल फैक्टर, डोमेस्टिक फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में कैसा रहेगा. वो ट्रेंड के मुताबिक फिर हम क्वांट रन करते हैं. क्वांट एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसमें हम रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस करते हैं. तो हमारी कोशिश ये रहती है कि रिस्क कम ले और रिवॉर्ड ज़्यादा मिले. इसमें हम हर कंपनी के लिए 10% का मैक्सिमम और सेक्टर्स के लिए 25% मैक्सिमम का सीलिंग रखते हैं और उसके हिसाब से 12-15 स्टॉक्स का हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं. फिर उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते जाते रहे हैं. आज 4 साल से हम ये AI डायनेमिक का पोर्टफोलियो रन कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं. हमने देखा है कि मार्केट में जो भी मूवमेंट हो हम उससे अच्छा कर पाते हैं. तो इसमें फंडामेंटल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांट, ये तीनों को मिलाकर एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई गई है. एंड लास्टली टॉकिंग अबाउट द AI डायनेमिक फंड ओनली, सो व्हाट इज द स्ट्रेटेजी गोइंग अहेड, लाइक हाउ इट विल नेविगेट एंड टैप ऑन टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट. सी, अभी क्या हो रहा है कि मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज है और इसमें से कई ऐसी कंपनी भी आ जाती है कि जो बहुत अच्छी तरह आउट परफॉर्म करती है. अभी नए नए सेक्टर्स भी आ रहे हैं. तो हमारा जो काम है वो ये है कि नॉट ओनली कि अच्छी कंपनी को लेना, अच्छी कंपनी के साथ साथ ऐसी कंपनी को भी ढूंढना जिसमें एक मोमेंटम हमको अच्छी तरह मिल सकते हैं. तो जैसे मैंने अगले क्वेश्चंस के जवाब में बताया कि AI हमको ट्रेंड देती है. अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो हम एग्रेसिव रहते हैं, अगर ट्रेंड नेगेटिव है तो हम डिफेंसिव हो जाते हैं. और हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारा लॉस मार्केट लॉस से कम रहे. फिर हमको ग्रोथ को कैप्चर करना है तो इसमें हमारा जो क्वांट है ना, वो जो कंपनी मोमेंटम में होती है लास्ट 3-6 मंथ्स में जो अच्छा परफॉर्म कर रही है उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको ले लेते हैं. फिर उसको मॉनिटर भी करते हैं. कभी कोई बार ऐसा भी हो जाता है कि गलत कंपनी आ जाती है लेकिन हमारा जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि भाई ये गलत चीज़ आ गई है. और फिर जैसे जैसे ट्रेंड चेंज होता है हम उसको कॉन्स्टेंटली रिस्ट्रक्चर करते रहते हैं. तो इसमें क्या है कि आज की तारीख में एक कंपनी अच्छी है, कल अच्छी रहेगी, अच्छा है तो हमारे साथ पोर्टफोलियो में है, निकल गई, इनसे दूसरी कंपनी अच्छी है तो वो आ जाती है, तीसरी कंपनी आ जाती है. तो हमारे पास जो टॉप 20-30 जो स्टॉक्स है उसमें से सिलेक्शन करके हम उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हम हर बार अच्छी कंपनियों को लेके बैठे और उसमें से मैक्सिमम बेनिफिट एक्रू करें. तो मुझे विश्वास है कि हमारी ये फंडामेंटल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांट को मिला के जो बनाई है स्ट्रेटेजी वो बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे जाके उसमें और भी अच्छा रिटर्न मिलने का चांसेस है. तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट आवर फंड मैनेजमेंट एंड प्लान. थैंक यू सो मच सर फॉर योर इनपुट्स एंड आई वुड कंक्लूड ऑन अ पॉजिटिव नोट दैट इंडिया इज डेफिनेटली एट अ वेरी स्वीट स्पॉट एंड इट हैज अ वेरी लॉन्ग रनवे टू गो अहेड. सो आई वुड रिक्वेस्ट द इन्वेस्टर्स टू स्टे पॉजिटिव एंड स्टे इन्वेस्टेड. थैंक यू. थैंक यू.